अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मोइज़ आसिफ, माय यूट्यूब ब्रांड व्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल मोइज़ आसिफ। कुछ तरीके आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिससे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़कर यूनिवर्सिटी में अच्छा जीपीए स्कोर कर सकते हो। मैंने एक आध वीडियो इस तरह की बनाई हुई है पहले, 4.0 स्टूडेंट का जीपीए जिनका था उनका इंटरव्यू भी लिया हुआ है, जिन्होंने आप लोगों को कुछ टिप्स दी थी, आप लोग वो भी देख सकते हो। कुछ बातें जो मैं फॉलो करता होता था यूनिवर्सिटी में अपना स्केड्यूल बनाने के लिए, अपनी चीज़ें देखने के लिए, अपना जीपीए मेंटेन करने के लिए, तो वो बातें आप लोगों को थोड़ी सी बताना चलूंगा, ठीक है। नंबर वन, लेजर फोकस्ड होकर लेक्चर सुनने हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लेक्चर्स को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं यूनिवर्सिटी, हालांकि लेक्चर ही वो चीज होती है जिसने आपका जीपीए डिसाइड करना है यूनिवर्सिटी। ये बिल्कुल एफएससी या ओए लेवल्स की तरह नहीं है कि आप घर जाकर ट्यूशंस लेकर पढ़ लोगे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर कोई ट्यूशंस है ही नहीं। आपने सुबह लेक्चर लेना है, उसी टीचर ने पढ़ाना और उसी टीचर का कॉन्टेंट, उस टीचर ने जिस तरह से पढ़ाया उस टीचर को पता है। आप लोग यूट्यूब वगैरह से पढ़ सकते हो, दूसरी चीजों से पढ़ सकते हो, बट द थिंग इज जिस तरह टीचर ने पढ़ाया उनकी सुनने से आपको पता चल जाता है क्या चीज एग्जाम में दे सकते हैं, क्या चीज एग्जाम में नहीं दे सकते, किस चीज को वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे, ठीक है। क्लासेस में स्टूडेंट्स अक्सर मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, पीछे बैठ जाते हैं जान के, साइड में हेड डाउन करके बैठ जाते हैं, सुनते नहीं है। यूनिवर्सिटी में मैंने अक्सर देखा है, ठीक है। तो अगर आप लोग लेक्चर लेजर फोकस्ड होकर नहीं ना ले रहे तो ये एक मतलब आप लोगों को बाद में फिर जब आप स्लाइड्स खोलोगे ना उनकी, तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा ये लिखा गया हुआ है कि चूमीचू लिखा गया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली ऐसा ही होता है क्योंकि आज आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, एकदम से आपका क्विज़ या असाइनमेंट आ गया, तो जब खोलोगे तो कुछ एक की समझ नहीं आएगी, फिर आप इंटरनेट पे जाओगे, कोई लेक्चर्स ढूंढोगे, फिर वो लेक्चर्स 100% तो मैच नहीं करते क्योंकि स्लाइड्स जो है वो आपके टीचर की हैं, लेक्चर्स वगैरह या कोई यूट्यूब की वीडियोस वगैरह कुछ ना कुछ इतनी मतलब नहीं करती मैच। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका सारा कंटेंट आपको यूट्यूब में मिल जाता है, सारा कंटेंट आपको उधर से मिल जाता है, लेकिन अब फिर भी स्लाइड्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं होती हैं, और वो पॉइंट इतना एंड पे हो गया होता है जब आप अपने एग्जाम वगैरह के लिए तैयारी कर रहे होते हो कि आप दोबारा से अपने टीचर से जाकर नहीं पूछ सकते कि सर ये मुझे समझा दें, क्योंकि वो बड़ा एंड हो गया होता है, ठीक है। सेकंड थिंग, पूछो, लोगों से पूछो, टीचर से पूछो, कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन पूछो, पूछे बगैर नहीं कर पाओगे। हमेशा जो सवाल आप पूछते ही नहीं हो ना उसका आंसर नो में ही होता है, ठीक है ना। बड़े प्यारी बात की है मैंने। अगर आप लोग को कुछ समझ नहीं ना आ रहा तो आपको कोई खुद समझाने नहीं आएगा, आप लोगों को उसके पास जाना होगा और समझना होगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं खुद समझ नहीं भी आती थी तो किसी से नहीं पूछता था, कोशिश करता था किसी ना किसी तरह समझ आ जाए, कभी यूट्यूब पे वीडियो देख ली, कभी गूगल कर लिया, कभी यार अगर नहीं समझ आती थी तो बस ऐसे ही चला जाता था। लेकिन वो चीज बड़ी इफेक्ट करती है आपके जीपीए को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, क्योंकि इवेंचुअली बात अंडरस्टैंडिंग की होती है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं ना हुई कॉन्सेप्ट की तो भाई ये मुश्किल है आपका एग्जाम वगैरह में नंबर लेना। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही किसी दोस्त के पास चले जाओ जिसे आपको लगता है अच्छी समझ आती है। इसमें अपना वो समझने की जरूरत नहीं है कि यार मैं पूछ रहा हूँ और मेरा दोस्त समझेगा कि इसे तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता होता, ठीक है। आप लोग उससे पूछो, वो खुशी से आपको बताएगा। दोस्तों की भी किस्में होती है, मुझे नहीं पता आप लोग किस दोस्त के पास जाते हो, लेकिन मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मैंने जिनसे भी पूछा वो बताते थे, गाइड करते थे। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप टीचर के पास जाके पूछ लो। अब टीचर के पास जाके पूछने में भी बड़ी स्ट्रगल्स हैं कि लोग कहते हैं यार ठीटे हो तुम या टीसी कर रहे हो ये तो वो, इस तरह नंबर नहीं आते। लेकिन टीचर के पास जाने का एक ये फायदा होता है कि आपको टीचर साइकोलॉजी का पता चल जाता है, जब टीचर आपको समझा रहे होते हैं पता चल जाता है ये एग्जाम में आना है कि नहीं आना, और जब ये बात पता लग गई ना तो आप लोग उस चीज को समझोगे और एग्जाम क्लियर कर लोगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे होंगे आप एग्जाम क्लियर करने का बता रहे हो, आप कॉन्सेप्ट का बता नहीं रहे। मैं सबसे पहली बात ये कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो देन एग्जाम दो, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है, यूनिवर्सिटी में अंडरस्टैंडिंग के लिए गए हो, नॉट फॉर योर ग्रेड्स, ठीक है। ग्रेड्स इवेंचुअली रह जाते हैं पीछे, कोई भी नहीं पूछता। तो आप लोगों ने अगर अंडरस्टैंडिंग अपनी बेस्ट करनी है, पूछ के करो, जैसे मर्जी करो, बेस्ट करनी है। नंबर थर्ड थिंग इज, स्लाइड्स जो होती हैं आपकी वो इनफ नहीं होती टीचर्स की। क्यों? क्योंकि स्लाइड्स में जस्ट पॉइंट्स लिखे होते हैं। अब आपके नोट्स जो होंगे, लेट्स सपोज टीचर ने ना, वो जो स्लाइड्स होती है वो टीचर के नोट्स होते हैं बेसिकली, जिधर से टीचर देख के आपको बताता है। अब एक पॉइंट का टीचर आपको 5 से 10 मिनट बता सकता है। अब उस एक पॉइंट को जब आप जाके पढ़ोगे ना, घर जाके पढ़ोगे, तो आपको कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी। तो लेक्चर को नोट पॉइंट कुछ लिख लो जो टीचर ने डिस्कस की है। अब जो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब आपके जो नोट्स हैं, आपने कोई बुक पढ़ी है और उसके नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स मुझे समझ नहीं आएंगे। अगर चलो आ भी जाएंगे तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जो आप उन नोट्स को देखोगे और एक ही पॉइंट ही देखोगे और उस पर आप 10 मिनट बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है मैंने पॉइंट क्यों लिखा था और इससे क्या स्टोरी रिलेट करती है, ठीक है ना। तो वो नोट्स टीचर के होते हैं, तो आप टीचर के नोट्स पढ़ोगे इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो स्लाइड्स आर नॉट इनफ। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में मैं कहता हूं 90% स्टूडेंट स्लाइड्स ही चल रहे होते हैं। यार स्लाइड्स अच्छी हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ टॉपिक्स के, आप देख लो ये टॉपिक है, ठीक है। लेकिन वो टॉपिक्स फिर रिसर्च करके पढ़ो, खुद बुक से पढ़ो, बुक बहुत अच्छी होती है, ठीक है। मैंने जब भी बुक से पढ़ा मेरा बहुत अच्छा उन सब्जेक्ट्स में ग्रेड आया। बुक हमेशा बहुत अच्छी होती है जो टीचर्स ने रेकमेंड की होती है, उन बुक से वो टॉपिक पढ़ लो जो टीचर ने स्लाइड में लिखा हुआ, आपको इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि पता भी नहीं चलता। अब ये मोड ऑफ लर्निंग पे डिपेंड करता है। अब आपको अगर बहुत अच्छी यूट्यूब सीरीज मिल जाती है ना, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी बड़ी बड़ी अच्छी यूट्यूब सीरीज पड़ी हुई है, तो मैं तो अक्सर वीडियो से
भी कर लेता होता था तो सारा पूरा पूरा सब्जेक्ट हो जाता होता था वो वीडियो से, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है, कई बार वीडियो में वो कंटेंट मैच नहीं कर रहा होता आपकी स्लाइड से, तो आपको बुक पढ़ लेनी चाहिए जो टीचर ने रेकमेंड की है। अंडरस्टैंडिंग, फिर यही पॉइंट आ गया, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो जीपीए नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो सिर्फ स्लाइड्स आर नॉट नेसेसरी, अपनी बुक को भी रेकमेंड करो, ठीक है। इसी से हम चौथा पॉइंट निकालते हैं, प्रैक्टिस। बुक से जब आप रेकमेंड करते हो तो बुक के एंड में आपके कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई आपको कुछ नहीं आएगा। क्या कहते हैं ना कि यू कैन लर्न बाय डूइंग थिंग्स, ठीक है ना। ये एक बड़ा पॉइंट होता है, अगर आपने कोई नई चीज सीखनी है कि आप वो चीज करना शुरू कर दो आपको आ जाएगी। एक फॉर्मूला पढ़ा, उस फॉर्मूला को अप्लाई करना शुरू कर दो, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर दो। कैलकुलस या इस तरह के सब्जेक्ट्स में, प्रोग्रामिंग में ये चीज बड़ी मैटर करती है कि सिर्फ पढ़ के नहीं वो आती। मेरा एक कोर्स था मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, उसमें मुझे पहले नहीं समझ आ रही थी कि क्या करूं, वो थ्योरी पढ़ पढ़ के कोड देख देख के दिमाग खराब होता था। मैंने फिर कोडिंग करना शुरू की उस सब्जेक्ट की, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, तो फिर मुझे समझ आना शुरू हुआ, ठीक है ये चीजें ऐसे काम कर रही हैं, और मेरे बहुत अच्छा ग्रेड आया था उसमें। तो भाई चीजों को प्रैक्टिस करने से करो, मतलब अगर मैथ वगैरह उसकी बुक से प्रैक्टिस करो, प्रोग्रामिंग है उसकी कोडिंग करो, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है, वरना पेपर पे समझ नहीं आएगा आपको क्या लिखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पेपर ही आता होता है। फिफ्थ पॉइंट इज टेस्ट योर सेल्फ। हमेशा जितना भी पढ़ो, बेशक एक पेज पढ़ो, डेढ़ पेज पढ़ो, अपने आप को टेस्ट जरूर करो, ठीक है, कि मैंने सही पढ़ा है और मैंने जो पढ़ा है मुझे समझ आ गई है। टेस्ट करने का ये तरीका होता है, उसकी कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर लो। अच्छा, कई टीचर्स ने स्लाइड्स में भी दिए होते हैं, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस मतलब टेस्ट अपने आप को करना, इवेल्युएट करना अपने आप को बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ओएसटी से पहले एक बार अपने आप को इवेल्युएट कर लो कि यार अच्छा अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे कितना आता है कितना नहीं आता, अभी मुझे और कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है। इंटरनेट से प्रैक्टिस प्रॉब्लम, टॉपिक एक्स वाई जेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लिखो, ठीक है। टॉपिक मतलब लेट्स सपोज फ्रिक्शन है, टॉपिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन प्रैक्टिस प्रॉब्लम, देखना कितने ज्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम आ जाएंगे, उन्हें सॉल्व करो, ठीक है। उनके आंसर कंसल्ट करो, देखो समझो, वो हो जाता होता है, ठीक है। लेकिन टेस्ट अपने आप को करना बहुत जरूरी होता है एट द पॉइंट पे, हर फील्ड में। अगर आप मतलब कोई और काम भी कर रहे हो ना, सिर्फ स्टडीज की बात नहीं, अपने आप को टेस्ट करो कि मैं सही जा रहा हूँ इस चीज में कि नहीं सही जा रहा, सही है। सिक्स्थ थिंग इज मेक योर प्लान कैजुअल। इन यूनिवर्सिटी कैजुअल मैटर्स अ लॉट। मतलब आप लोग खुद देख लोगे, जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो देख रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी में टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है। आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के आपने क्लासेस लेनी होती हैं, साथ आपके क्विजेस चल रहे होते हैं, असाइनमेंट चल रही होती है, इवेंट्स चल रहे होते हैं, साथ हॉस्टल में अपने आप को मैनेज करना, बहुत चीजें मैटर करती हैं, ठीक है ना। तो बड़ा क्रूशियल हो जाता है आपके लिए ये एक यूनिवर्सिटी में भाई काम करना। तो अपना एक स्केड्यूल बनाओ, इतने से इतने बजे तक मैंने ये करना है, इतने से इतने बजे तक ये करना है, और जिस काम को जिस वक्त पे करना है उसे करना है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात होती है ना, लोग ना प्लान बनाते ही रह जाते हैं, प्लान में ज्यादा टाइम जाया नहीं करना, हम ये करेंगे वो करेंगे, एंड में एक्टिविटी करते नहीं है कोई, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सिर्फ इसलिए ही फेल हो रही है क्योंकि वो प्लानिंग बहुत करती हैं, इतनी इतनी मीटिंग्स रख रही हैं, इतनी इतनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रही है, एंड में जब एक्टिविटी आती है या अकॉम्प्लिशमेंट आती है ना, वो काम होता ही नहीं है, ठीक है ना। अब लोग मिस मतलब कॉन्सेप्ट है इसमें, एक एक्टिविटी का और एक अकॉम्प्लिशमेंट का। एक्टिविटीज पे इतना फोकस ना करो, अकॉम्प्लिशमेंट पे करो, ठीक है ना। छोटे छोटे काम जो है, जो सोच रहे हो वो करोगे तो खत्म होंगे ना। अब मेरे तीन चार काम थे वो मैं कर ही नहीं रहा था तीन दिनों से, लेकिन मुझे पता चला कि जब मैंने करूंगा तो खत्म होंगे ना, तो मैंने फौरन किए और मेरे वो काम खत्म हो गए। यार वो काम करोगे, एक्टिविटी और अकॉम्प्लिशमेंट को मैच ना करो, अकॉम्प्लिश करो चीजों को, ठीक है। सिर्फ ये ना सोचो मैंने ये करना है वो करना है, प्लानिंग ही करते रहो पूरा पूरा, तीन तीन चार चार दिन प्लानिंग हो रही है जी, और ठीक है। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसलिए फेल होती है। अपने आप को अगर आप लेट्स सपोज अच्छा जीपीए लेना है, अच्छा स्टडीज में जाना है, तो अपने आप को उस स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट से देखो, या ब्रिलियंट एक आइडियल स्टूडेंट अपने ज़हन में रख के अपने आप को जब काम कर रहे हो तो वैसा सोचो जैसे वो बंदा काम कर रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज एक बंदा प्रोग्रामिंग में अच्छा होना चाहता है, तो उसे चाहिए कि एक अच्छा कोडर, एक अच्छा प्रोग्रामर अपने ज़हन में रखे, ठीक है। और जब कोडिंग कर रहा हो तो अपने आप को विजुलाइज करे, मैं वैसा ही हूं, मैं वो बंदा हूं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है पूरी बॉडी में कि यार वो बंदा अगर काम कर रहा होता ऐसे कर रहा होता, वो बंदा अगर काम कर रहा होता फोन इस वक्त ना यूज करता, डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करता, तो अपने आप को आप लोगों ने उस बंदे की तरह से विजुलाइज करना है, अपने आइडियल बंदे की तरह का। अब जीपीए तो हर कोई लेना चाहता है, अच्छी स्टडीज में हर कोई आना चाहता है, मतलब जो आपकी रिजल्ट है उसका पार्ट हर कोई बनना चाहता है, ठीक है। प्रोसेस का पार्ट कोई नहीं बनना चाहता, ठीक है। जो प्रोसेस होता है वो बड़ा स्ट्रगलिंग होता है। अब आप लोग जब एक पॉइंट पे पहुंच जाते हो, लोग उस पॉइंट को देखते हैं, कहते हैं हमने उस पॉइंट पे पहुंचना, और उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो सफर है वो कोई नहीं करना चाहता। तो भाई इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन एनी फील्ड ऑफ योर लाइफ, तो स्ट्रगल है उस वहां तक पहुंचने के लिए। हर कोई कामयाब शख्स ऐसा नहीं होता जो फेल ना हुआ हो, ठीक है ना। कोई अमीर बंदा ऐसा नहीं होता जो कभी बैंकक्रप्ट ना हुआ हो। फेलियर वो स्टेप्स हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं, और अगर फेलियर नहीं आएंगी तो सक्सेसफुल होने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप कुछ सीखोगे नहीं और सक्सेस इतनी हैंडल नहीं कर पाओगे। तो यही बातें थी मेरी तरफ से। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।